अगर आप ओवर द काउंटर जाके या फिर लास्ट प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, जैसे कि अरे लास्ट टाइम भी सिर्फ थ्रोट पेन था, फीवर था, ये टाइम भी वैसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं, आई शुड टेक एंटीबायोटिक्स फर्स्ट ओनली, बट अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर मेड टू किल बैक्टीरिया, बट अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है देन इट वॉन्ट हेल्प, इंस्टेड इट विल डैमेज यू मोर। नंबर टू इज, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो मेक श्योर आप उसका कोर्स पूरा कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़े, बिकॉज इसके वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो एंटीबायोटिक लोगे तो आपके बॉडी पे उसका कुछ असर नहीं होने वाला। नंबर थ्री इज, मेक श्योर आप एंटीबायोटिक के कोर्स के दौरान प्रीबायोटिक्स यानी कि दही, बटर मिल्क, उसके प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेड फूड्स का कंज्यूम ज्यादा करें, और शुगरी प्रोडक्ट्स और पैकेट फूड का कंज्यूम थोड़ा कम करें, बिकॉज एंटीबायोटिक की वजह से आपके बॉडी के हेल्दी बैक्टीरियाज भी मर गए हैं, सो उसको ग्रोथ करने के लिए प्रीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।